टीचर्स को बोलता हूँ, अरे बाप रे बाप, वो आ गई, जल्दी खुल जल्दी खुल, अरे जल्दी खुल जा, जा खुल जा, वो आ रही है क्या, अरे भाग 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 मिलका भाग, वो पीछे है तेरे पीछे, अरे अरे ये क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से, हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट हनी वालिया एंड यू आर वाचिंग हनी वालिया गेमिंग। लेके आया हूँ आज आपके लिए फिर से अनदर एपिसोड ऑफ पार्ट टू। तो चलिए इस गेम को जल्दी से खेलते हैं। म्यूजिक पे ही सारी गेम डिपेंड है ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो लास्ट टाइम उस भूतनी ने मुझे मार गिराया था, आई मीन मुझे एक फ्यूज जो है वो ढूंढना है, फिर से इसको सीन को दोबारा से चलाना पड़ेगा। राइट, तो इतना शोर क्यों कर रहा है यार। तो वही पुरानी स्टोरी है, वो वहां से चुड़ैल आएगी और मुझे यहाँ पे छुपना है, जल्दी छुप जा। दरिया दीवार के आर पार कैसे आ जाती, मुझे ये नहीं समझ में आता। एकदम भूतनी भी दिखाई है ना ऐसी, और इसके ये चेस्ट पर क्या लगा हुआ है, आई मीन कुछ चमक रहा है, कुछ शाइनिंग कर रहा है कुछ, नहीं अभी नहीं दिख रहा। इतनी बारी बारी सांसें लेती है ना एक तो ये, तो यहां से जो मेरी लास्ट सीन की जो एंट्री थी यहां से शुरू हुई थी। मुझे इसके पीछे जाना है, आई मीन वहां से फ्यूज उठाना है, मुझे नहीं पता वो कहां से है कहां से नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। वो जा रही है वो अभी भी, अभी भी मैडम वहीं पर है और मुझे कुछ नहीं आइडिया, मतलब करना क्या है यहाँ पे। यार ये फिर से वापस आ रही है, ये मुझे जाने ही नहीं देती यार, ये बाबा जाने दे रे, वरना उठा ले मेरे को, उठा ले रे बाबा। इधर तो नहीं आ रही, ये तो फुटस्टेप्स जो इसके है ना ऐसे, मतलब ऐसे लगता है जैसे ईयरफोन्स में आप खेल रहे हो, तो बहुत ही मैं चुपके से जाता हूँ यार, बस मुझे देख ना ले ये एक सेकंड। यार मैं अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ये मिस्ड यू कुछ बोल रही है। आई मिस यू क्या, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम याद करती हो, मुझे बस यहाँ से निकलना है। ओके, तो ये रही वो, अभी मैं जाता हूँ यहाँ से, निकल जाता हूँ, बस देख ना ले मुझे, ये देख ना ले। ठीक है मैं आ गया हूँ, अभी क्या करना है मुझे। अरे बाप रे, कितनी भयंकर सांसें ले रही है ये, क्या पीकर आई है ये, मतलब इतनी भारी भारी सांसें ले रही है। कहाँ गई यार ये, तो दिख भी नहीं रही मुझे। ये रही। तो स्कूल की यूनिफॉर्म में मैडम माया घूम रही है। अरे रुक गई, नहीं बच गया। यार बाथरूम में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं था, लास्ट टाइम मैं ऐसे ही मर गया था। क्या करूं, कुछ देख लूं, कुछ है तो नहीं यहाँ पे। अरे रुक गई, अरे बाप रे, अरे वो एक डोर है सामने वहां पे, मुझे लगता है और तो कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी में है नहीं, मुझे उसी डोर के पास जाना है, अभी मैं जाता हूँ।
देख तो नहीं रही ना ये? नहीं, खोल 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 बेटा इसे खोल। अरे इतना, एक तो दरवाजे भी इतनी आवाजें करते हैं ना, क्या करूं क्या करूं। ये रहा ये रहा ये रहा दोस्तों, मिल चुका है। अरे फ्यूज उठा मेरे भाई, फ्यूज उठा। ठीक है, अरे बाप रे ये क्या चल गया। अरे छुप जा छुप जा छुप जा। अरे ये कीर्तन फिर से चल गया यार अपने आप, मैंने तो कुछ दबाया भी नहीं। अरे वो आ रही है, वो आ रही आ रही है, कदमों की आवाज और तेज हो रही है, और तेज। अरे यार ये कीर्तन फिर से शुरू हो गया यार, आई मीन अरे तो इसके नहीं आई यार, वो नहीं आ रही है। लेकिन वो है कहां पे, मुझे जाना भी तो वहीं पे है। कहां गई ये, कहां है तू, कहां हो तुम, कहां हो तुम। बोरी 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 बोरी, बस दोबारा से इधर इस रूम में मत आ जाओ। मैं सोच रहा हूं ये जब वहां पे जाएगी ना, ठीक है ठीक है, अच्छा तरीका है ये, इससे पहले ये दोबारा आए मैं खिसक जाता हूँ यहीं से। अरे यार कहाँ अंधेरे में फंस गया मैं, लाइट जलाऊंगा तो देख लेगी वो। लाइब्रेरी है कि क्या है ये रहा रास्ता। आराम से जाऊंगा और आराम से अपना काम करके अपने मकसद की तरफ जाऊंगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकते, ठीक है आ गया हूं मैं दोबारा। अब जल्दी से फ्यूज को मैं इस पे डालता हूं और अपना काम शुरू करता हूं। डल जा भाई डल जा। अरे यार नए वाले को डाल। अभी अगर मैं इसको खोलूंगा तो उसकी आवाज आएगी शटर की। नहीं आई क्या, ऐसा ही लगता है मुझे। अभी कदमों की आवाज भी नहीं आ रही। अभी मैं निकलता हूं यहां से यार। अरे बाप रे, भाग 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 बेटा भाग। अरे यार एक यहां भी खूनी छेद। ये क्या, अभी थोड़ा सा म्यूजिक शांत हो चुका है। गाइस जो जो प्लीज इस वीडियो में न्यू आए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन मतलब बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये क्या पड़ा है, रोल्ड मेटल एम्यूलेट, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है भाई। अच्छा ये घूमता भी है, ये क्या था? कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है। अरे ये कैसी आवाज थी, ये कैसी आवाज थी। ठीक है कुछ है तो नहीं इसके आसपास, कुछ देख लेता हूँ ना, कुछ नहीं है। ठीक है इसको खोलता हूँ। अरे बाप रे बाप, वो आ गई, जल्दी खुल जल्दी खुल। अरे जल्दी खुल जा खुल जा खुल जा, वो आ रही है क्या। अरे भाग 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 मिलका भाग, वो पीछे ही है तेरे पीछे। अरे अरे ये क्या करता है, अरे अरे छोड़ दे, किक मार इसको किक, मुझे लगता है भाग नहीं है। अरे बाप रे जल्दी भाग, अरे ये भाग क्यों नहीं रहा अभी। अरे यार क्या चक्कू लग गया इसके यार। अरे भाग रे बेटा भाग। अरे एक तो ये जादू टूने की किताब, खुल जा सिम सिम।
बच गए क्या? लगता तो है। अरे शुक्र है, शुक्र है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? देर है मगर अंधेर नहीं है। क्या ये सपना देख रहा था क्या? Hey, Tim, it's due. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. बस हाल मत पूछ मेरा। Doing well. Call me back so I know you're not dead. अरे मैं मरता मरता बचा हूँ, ये बंदा बोल रहा है कि मुझे फोन करके बताना, मरता मरता बचा हूँ मैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा म्यूजिक जो है वो अच्छा बज रहा है ना, काफी अच्छा। तो ये इधर से निकला है भाई साहब। यार ये कर क्या रहा था, मुझे स्टोरी कुछ समझ नहीं आई। और ये कुछ फोटोज पड़ी हुई हैं यहाँ पे काफी। ओके तो शैंक में जाके हम देखते हैं ये क्या पड़ा हुआ है। वीको टर्मरिक, ठीक है, शैंक पड़ा हुआ है। और ये क्या है, ये क्या है भाई, इसको उठाना पड़ेगा क्या? पीसिस ऑफ मिस्टीरियस फोटोग्राफ, इसके पीछे कुछ नहीं है, रेड पेन से पता नहीं क्या कारीगरी की हुई है किसी ने भी। ठीक है, हाफ स्माइल लड़की मुझे ठीक अच्छी लगी है। ठीक है एक अरे ये क्या, अरे तेरी तेरा परछावा की तरह यार, यार शेडो कुछ नहीं दिखा रहा तेरी, मतलब मिरर में कुछ तो दिखा। वहां से हम आए थे, सीढ़ियां में हम बाद में जाएंगे ऊपर। और ये रहा वो टेलीफोन फ्रंट, आई हैड अ क्वाइट। तो ये जेन की डायरी है, तो डिटर्जेंट पड़ा हुआ है, ये टैग कंपनी का डिटर्जेंट है। और कुछ बर्तन है गंदे से, किचन तो काफी अच्छा है मतलब, है ना। लेकिन यार तुम लोग जूठे बर्तन अभी तक धोते क्यों नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कभी सुना नहीं। अबे थाए में तो होगा शायद, टॉर्च अभी भी है इसके पास। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी जो लास्ट वीडियो, इससे जो होम स्वीट होम का फर्स्ट पार्ट, आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कम से कम सिर्फ 10 लाइक उस वीडियो पे आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये क्या धागे, लाल रंग के धागे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो अभी वारी है ऊपर जाने की, ऊपर चलते हैं हम लोग, देखते हैं ऊपर क्या है। आई होप कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस अभी। यार ये ड्रॉज वगैरह क्यों नहीं खोलता, यहां भी नहीं कुछ खोल रहा ये, यहां तो जाएगा ही जाएगा पक्का। ओपन जेन्स रूम, जेन का रूम नहीं खुल रहा है, मुझे लगता है इसकी चाबी चाहिए मुझे, और वो चाबी अभी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है जेन का कमरा है, पूरा एसी वगैरह, पंखा नहीं है, ये कुछ नोट है वहां पे, देखता हूं इसमें क्या है। ये जेन्स की ड्राइंग है इसको। ओके ओके, तो वो रहा जे का जो साइन बना उस पे चाबी है। अभी ये है कहां पे, एक सोफा है, सोफे के बाद टेबल आता है, फिर उसके बाद कुछ और है, फिर उसके बाद है। ठीक है ये नीचे का लुक दिखा रहा है मुझे लगता है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, सोफा वगैरह कुछ नहीं है। ये सोफा पड़ा है, ये टेबल है, और इसके बाद ये आ जाता है, और फिर उसके बाद फिर से ये चार कुर्सियां टेबल आ जाती है। यहीं पर चाबी उसने रखी थी। अरे मिल जा मेरी माँ, कहाँ पे है तू? और ओके तो मिल गई है चाबी, ढूंढने वाले तो भगवान भी ढूंढ लेते हैं, ये तो फिर भी चाबी है। तो यहाँ पे कुछ ये क्या था? Oh, Tim, what are you doing here? इसकी फ्रेंड है। Oh, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? I'm just writing. क्या लिख रही थी? क्या मैं देख सकता हूँ? No, it's private. ये private है? Get out of here. मैं जाऊँ? ठीक है चलता हूँ। It's time for bed. It's time for bed. Okay, तो ये उसकी कोई इज इट चेंज डायरी। ठीक है कुछ प्राइवेट डायरी थी जो जेन बोल रही थी कि तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं दिखा सकती, अगर वो बोल रहा था ना डायरी देखने को। ठीक है तो मैं डायरी, यहाँ पर इतने धागे क्यों बंधे हुए हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये रेड रेड कलर के जो धागे हैं ये। ठीक है डायरी पे एक लुक मारता हूं मैं। जेन्स डायरी ऑन अप्रैल 28 2013, इसको पढ़ना था मैंने, है ना।
फ्रंट आई हैड क्वाइट अनसेटल्ड डायरी में कुछ नहीं था, ये बस ऐसे ही डायरी में ये बताया गया कि उसको जेन को काफी अजीबोगरीब मतलब अजीब चीजें दिख रही हैं जो ना होते भी है, उसका सब जगह पीछा कर रही हैं, उसका कपबोर्ड तक जाती है, अलमीरा तक जाती है, वो पता नहीं कौन सी भयानक चीजें जो उसका पीछा कर रही हैं, और लेकिन वो बोल रही है कि मुझे टिम का ध्यान भी रखना है, ये तो नहीं खोलता नहीं, तो टिम का ध्यान रखने को बोल रही है, लेकिन ये स्लिप यहाँ कहाँ से आएगी ना, उठाएगा क्या, उठाएगा उठाएगा ओके। तो जेन्स डायरी का एक अगला पेज हमको मिल चुका है जिसमें लिखा है देयर इज समथिंग दैट आई वांट। तो इस डायरी में उसने मेंशन किया है कि मुझे एक खुशखबरी देनी है टिम को, मतलब हमें एक एनिवर्सरी गिफ्ट मिल चुका है, एक घर मिल चुका है जिसका मेरे हस्बैंड को काफी टाइम से इंतजार था, राइट। तो ऊपर हमने देख लिया, पेजेस वगैरह ढूंढ ले हैं, और ये क्या है, धागे, वहां क्या ये, अरे बाप रे, इतनी ऊंची की बोल रहे हो, धागे धागे अंदर, अंदर जाना पड़ेगा क्या, ओके तो अंदर जा चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ये क्या, अरे यार हम लोग फिर से आ गए, मतलब यार वो क्या तुमको अच्छा नहीं लगा था क्या, वो इतना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास एक हाउस जो दिखाया था वो इनको मतलब अच्छा नहीं लगा, फिर से बंदे, अरे 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 ये क्या था, ये क्या था, sounds not coming far from here. वो तो मुझे भी लग रहा है कि वो आवाज यहीं गई है, find Jane, she might be here. Okay, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, जेन को ढूंढना है, यहीं गई होगी वो, यार वो चुड़ैल मुझे फिर से ना यहाँ पे चिपक जाए ना, उसको इतनी मुश्किल से मैंने उसका जो है उसे पीछा छुड़ाया मैंने इतनी मुश्किल से, वहां पर देखूं सामने क्या, पहले क्या भयंकर जाले वगैरह यहां पर है, वाह म्यूजिक बढ़ रहा है, अरे ये क्या था, अरे ये क्या था, ये कोई ऊपर है मुझे लगता है ना, कोई भारी भरकम चीज है जो ऊपर चल रही है हमारे, ये धागों का कोई कनेक्शन है मुझे लगता है, जो रेड धागे था कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है था, ये ऐसे लग रहा है जैसे अंडरग्राउंड चल रहा है, ऊपर इसके वो चल रही है मेट्रो चल रही है, ठीक है तो ये आ चुका है वहीं पर अपने पुराने कमरे में आ गया, ये जहां से यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है तो हम लोग आ गए हैं, अभी हमारी मेन लोकेशन क्या है, हमने जेन को ढूंढना है, अभी भी जेन को तो हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन वो ना हमें ढूंढ ले, ये खुलेगा क्या, नहीं ये नहीं खुल रहा, तो ठीक है ऊपर ही चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार ये अभी, अच्छा मैं ही चल रहा हूँ ठीक है, ये तो लकड़ी का घर है, ये जेन्स डायरी फिर से मिल चुकी है, दैट वॉज नॉट बैड। तो इस डायरी में उसने बताया है कि उसको शायद भ्रम है, शायद ये रियलिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस भयानक से वुडन हाउस में क्या कर रही है, मतलब वो चाहती है कि मैं यहां से चली जाऊं, मैं यहां पर एक काली परछाई का पीछा करते करते यहां पर पहुंच चुकी हूं, अरे बाप रे ये क्या है, ये बुड्ढों की तस्वीरें यहाँ क्यों, और भयानक भयानक सौ सौ साल पुराने बुड्ढों की तस्वीर यहाँ पर है, अरे 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 कुत्तों की रोने की आवाज है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कुत्ते रोते हैं तो वो कुछ ना कुछ अजीबो देखते हैं या महसूस करते हैं,
कुत्ते की रोने की आवाज वैसे अशुभ मानी जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, आगे क्या होगा? ठीक है, आगे कुछ नहीं है। ये क्या है? A wall written with three different color chalks convey something. दीवार पे कुछ लिखा है, तीन डिफरेंट कलर के चॉक्स के थ्रू लिखा हुआ है, जो कुछ बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ना, ये क्या? ओके, तो कलर है, एक पिंक है, एक ग्रीन है और दूसरा शायद येलो है। ऑब्जेक्टिव तो अभी भी जेन को ढूंढना ही है। ये कलर का कुछ ना कुछ लिंक होगा, कुछ पजल है। ये किसी का बिस्तर लगा हुआ है यहाँ पे। और क्या, ये क्या, ये कुछ मिला है हमको, ग्रुप फोटोग्राफी, किन किन लोगों की है ये? अरे वाह, एक स्प्लेंडर खड़ा हुआ है क्या होंडा वालों का, और एक बोहेमिया जैसे दिखने वाले बंदा जेब में हाथ डाल के खड़ा, पीछे दो तीन और बंदे हैं। के पीछे क्या है? कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अब फोटोग्राफ ऑफ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, ठीक है, कुछ नहीं थी, एक सिंपल सी पिक्चर थी। और ये धागे, मुझे ये नया धागों का सिलसिला शुरू हो चुका है गेम में। ये जेन का ना जो सपना था, वैसे ही हमारा प्लेयर भी उसी तरह की फीलिंग लेकर चल रहा है। मतलब जो जो जेन ने सपनों में देखा है वही, अरे ये खिड़की खुल चुकी है, बाहर जाएगा क्या? बाहर तो नहीं जा रहा। ये बूढ़ों को क्या कहना है भाई, बूढ़े इतने डरावने हैं। ऑल राइट, तो ये है वो रास्ता मुझे लगता है। अरे यार, ओके एक सेकंड, मुझे लगता है ये भी तीन डिजिट है और वो जो कलर थे वो भी तीन डिजिट के थे। एक सेकंड मैं देखता हूँ, खुल क्यों नहीं रहा ये? अरे यार, अरे यार, मैं तो फंस गया रहा, मैं पीछे भी नहीं जा पा रहा अभी। यानी दो डोर्स हैं, ये था। अरे यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये गलत बात है यार, मैं दोबारा पीछे क्यों नहीं जा सकता यार अभी, है ना? नहीं नहीं, यही है, क्या दे रहे हैं ये नहीं बताऊंगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओ समझ गया समझ गया, ठीक है। जैसे ये येलो का बॉक्स है, इसकी हमको वो लाइंस गिननी कितनी है, तो मैं गिन लेता हूँ एक सेकेंड। एक दो तीन चार, नौ सात चार, ठीक है, देखता हूँ ट्राई करके। नौ सात चार, नौ सात और चार। अरे या, या बेबी, खुल चुका है लॉक, इसको खोलते हैं हम लोग, नीचे चलते हैं बेसमेंट में। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइए कि मेरा ये गेम प्ले का वीडियो आपको पिछले पार्ट से और इस पार्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिला, हॉरर है या नहीं है, मुझे प्लीज बताइए। इस गेम को आपको जैसी भी लगी होगी, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कुछ भी लगी होगी, प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर करके जाइएगा, जो भी वीडियो को देख रहा है, और एक लाइक जरूर करके जाइए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, हर हर महादेव, मुझे दीजिए इजाजत।